जी मैं हूं नदीम सिद्दीकी मेट्रो सेवन पाकिस्तान के साथ मौजूद हूं मैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के सालाना प्रोग्राम में, जहां पर जो के अल मुस्तफ़ा के साथ साथ जिन्होंने गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी हैं उस हवाले से यहां पर एक इजलास जो है वो किया गया अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हाजी तैयब की सदारत में। तो ये जिनके जिनकी खिदमत में ये प्रोग्राम तरतीब किया गया उस हवाले से मरहूमीन में अहमद अब्दुल शकूर, मोहम्मद इकबाल मेमन, मोहम्मद इकबाल सुलेमान के अलावा अब्दुल गनी सुलेमान और इकबाल जान मोहम्मद कस्बाती जो है वो भी जो है इसमें शामिल है, और जितने मरहूमीन हैं उनके लिए तमाम के लिए दुआएं की गई और दुआ की गई कि मुल्क की सलामती और हॉस्पिटल में जितने भी लोग आते हैं मरीज़ उनको शिफायाबी के लिए ख़ास तौर पे दुआएं की गई। तो आइए चलते हैं दीगर लोगों से बात करते हैं। आइए, एक्चुअली हमारी तहरीक इसका नाम अंजुमन तलबा इस्लाम, एक हम तलबा तंजीम तारु रखते थे अंजुमन तलबा इस्लाम, उनके रफ़ाकार अहमद शुक्र साहब, गनी सुलेमान साहब, इकबाल भांगड़ा साहब, अहमद शुक्र साहब और जितने अहबाब के नाम लिए गए हैं आज और जितने अहबाब के बारे में बयान किया गया है उनका तमाम का दारा अंजुमन तलबा इस्लाम से रहा है। बेसिक हमारी मदर तंजीम जो है अंजुमन तलबा इस्लाम है, वहीं से हमारी शाखें निकली हैं, वहीं से हम दोस्तों ने अपने अपने तौर पर काम शुरू किए हैं। जब हम फारिग हो गए, रफ़ाका बन गए, तो उसके बाद हमने एक वेलफेयर का इदारा कायम करने का इरादा किया। मकसद एक ही था हमारा, अल्लाह के रसूल की रज़ा हासिल करना। मसलन हमने उन ऐसे सारे दोस्तों को भी व्हाट्सएप के ज़रिए, जैसे सबको दिया ना इनविटेशन, ऐसे व्हाट्सएप के ज़रिए उनको भी इनविटेशन दिया। किसी भी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, लेकिन अहमद अब्दुल शकूर के बेटे इमरान शकूर को भी बुलाया था, उन्होंने वादा भी किया था आने का। तो जाहिर है कि सबसे बड़ा काम तो माफ़ करना है ना। अगर कोई आदमी आपके साथ ज़्यादती कर रहा है तो आपकी अजमत है मुआफ़ करने में। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो लोग आपके साथ बिला वजह लड़ते हों, अगर आप उनके साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आएँ तो जन्नत में बेहतरीन जगह पर आपको मैं महल की ज़मानत देता हूँ। आज अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर हमारे पुराने साथियों की जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है उनकी याद में उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए एक खूबसूरत महफिल आज मुनक़द की गई। और जैसा आपने फरमाया है उनके हवाले से हमारे वो साथी उनकी जो खिदमात हैं समाजी हवाले से, दीनी हवाले से, रूहानी हवाले से और तंजीमी हवाले से वो नाकाबिल फरामोश हैं, वो तारीख़ का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुकी हैं। मैं सबसे पहले तो मेट्रो सेवन का मशहूर हूँ कि हमेशा अल मुस्तफ़ा के साथ ताउन फरमाते रहे। हमारे इवेंट जितने भी होते हैं इसमें माशाल्लाह सर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आज का जो इवेंट था हमारा वो तमाम हमारे दोस्तों का, उन दोस्तों का जिन्होंने अल मुस्तफ़ा के लिए कुर्बानियाँ दी और उनकी मिसाल नहीं मिलती। ऐसी कुर्बानियाँ का आज अल मुस्तफ़ा खड़ा है ये सब इन्हीं लोगों की मेहरबानी। अहमद अब शकूर साहब, इकबाल मेमन साहब, इकबाल कस्बाती साहब, दीगर हमारे साथी जो इस वक्त हमारे पास दरमियान नहीं है लेकिन उनकी खिदमत, आखिर गनी भाई गनी सुलेमान साहब, दीगर हमारे साथी जो इतने में नहीं है उनको हम खलाम सलादत यासीन पेश करते हैं। करूँगा ये तो हमारा यूँ समझ लें कि एक दुनिया की फितरत है कि जो लोग हयात होते हैं लोग उस वक्त जो है उनको नहीं पूछते और बाद में होता है ऐसा सिलसिला। मगर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने लोगों के याद में हमने आज प्रोग्राम मुनक्किद किया है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं था जिनसे इस तरह का कोई मामला हो। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग अल मुस्तफ़ा के लिए आवाम की खिदमत करते रहे हैं और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनकी ताज़ियत के लिए आज हम यहाँ सब यहाँ जमा थे। और इस तकरीब में शरीक होने पर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम गिनवाने में बाद औकात कोई रह जाता है लेकिन यही मशवरा हुआ पहले इन पांच अफराद के लिए प्रोग्राम कर लिया जाए जिनके नाम आपने अभी सुने, अहमद भाई, गनी भाई, इकबाल मेमन, इकबाल कस्बाती और इकबाल सुलेमान भंगड़ा।